हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कल्याणी का अपना किचन। आज कल्याणी के अपने किचन में हम मकर संक्रांति और पोंगल के लिए स्वीट पोंगल बना रहे हैं और तिल गुड़ के लड्डू तो हमने ऑलरेडी बना लिए कल, जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए थे। सो लेट अस चेक द रेसिपी फॉर मेकिंग पोंगल। पोंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये हाफ कप मूंग की दाल ले रहे हैं और इसे थोड़ा सेकते हैं। अच्छी तरह से सेक लेते हैं और हाफ कप के करीब ही हमने चावल भी लिया है, इसे हम धो लेते हैं और रेडी करके रखते हैं। देखिए दाल अच्छे से सिक गई है, अब इसी में हम ये चावल मिला दे रहे हैं अच्छे से, जो मैंने धो के रखे थे। इसको भी हम थोड़ा सा चला लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। और इसे अच्छी तरह पक दे देते हैं। जैसे दाल राइस हमारा पकता है उसी तरह ये भी पकना चाहिए। दाल और चावल एकदम कुक हो गए हैं और एकदम मैश हो गए हैं। इसमें अब हम दूध ऐड कर रहे हैं। साथ ही मैं इसमें गुड़ डाल रहे हैं, मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है वो भी मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा तिल डाल रहे हैं। आज के दिन तिल का महत्व अधिक है तो मैंने इसमें तिल ऐड किया। तो मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा कार्डमम पाउडर डाल रहे हैं। इसको मिला लेते हैं और इसको बॉईल होने देते हैं। इसको अब हम बॉल में ट्रांसफर करेंगे। पोंगल को हम इस बॉल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ये एक तड़का पैन लिया है, इसमें मैं ये घी डाल रही हूँ एक चम्मच। और घी में मैं ये रेजिन्स डाल रही हूँ, किशमिश जिसे हम बोलते हैं।
इस पोंगल के ऊपर डाल दे रहे हैं। घी भी डाल दिया है साथ ही में और किशमिश भी डाल दिया है। तो अब ये हमारा पोंगल जो है एकदम खाने के लिए बनके तैयार हो गया है। देखिए एकदम रेडी है। इसको आप थोड़ा सा चम्मच से हिला भी सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द रेसिपी एंड हैप्पी पोंगल टू ऑल ऑफ यू एंड मकर संक्रांति एंड ऑल द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया टुडे। थैंक यू सो मच। स्वीट पोंगल विद जैगरी फॉर टुडे ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ पोंगल एंड मकर संक्रांति